एडीजी जोन अखिल कुमार के नेतृत्व में तारामंडल स्थित नौकायन पर रामगढ़ताल के किनारे पुलिस परिवार के साथ श्रमदान कर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि जनपद के नगर निगम पुलिस के द्वारा संयुक्त सफाई अभियान चलाया जा रहा है। समाज में साफ सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता आए और रामगढ़ताल पर जो लोग घूमने आते हैं और यहाँ पर खाने पीने के दौरान प्लास्टिक कचरा फेंक देते हैं, उसके प्रति लोगों में जागरूकता आए कि यह हमारा शहर है, हम इसको साफ सुथरा रखेंगे। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि सप्ताह अभियान का हिस्सा बने और पूरे गोरखपुर को स्वच्छ और साफ सुथरा शहर बनाएं। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीओ कैंट श्याम देवबित सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, आप बोलते भी हैं क्या, लोग सुनते हैं? बिल्कुल, आप पार्क वगैरह में जाते हैं तो लोगों को इसे संदेश देने के लिए मैं इसको रखा हूँ। लोगों को निवेदन करते हैं कि कोई सड़क में कूड़ा ना फेंके, डस्टबिन में डाले, जिसके लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मैं यूज करता हूँ। ये जन मतलब लास्ट टाइम में एक बार बुला के दो घंटे इसको अच्छे से ध्यान दिया, नाउ दिस होल वीक इट हैज बीन फैंटास्टिक। झाड़ू वाले बाबा माइक जी जी सर, हां साहब है, साथ में सर झाड़ू आ जाओ, बोलते रहिए कि उसके आसपास का आप लोग कूड़ा डस्टबिन में डाला, इधर उधर ना फेंके। आप सबसे सादर अनुरोध है, कि आप लोग कूड़े को डस्टबिन में ही डालें। अभिनव भैया जवानों को उतार दो नीचे जाके, उधर साइड में प्लास्टिक की चारे चीज उठा ली। अरे क्या करें, अभी टाइम लगी यहाँ पे। आपके दरोगा जी थे अभी यहाँ पे, जब इंचार्ज थे अभी शायद आजाद नगर पे हैं, अभी आज हमारी मुलाकात हुई तो वो भी रहते थे, काम करते थे हमारे साथ। जी जी, अधिकारी मैं एस पी सिटी गोरखपुर जी, ये मेरा आदर मैं लेके आता हूँ इनको, होने में कर देते हैं होने से उसको साफ कर देते वही वही एक जगह रखिए, उधर आप कहाँ ले जाएंगे, एक जगह यहीं से इकट्ठा कर ये तो बोलने वाली झाड़ू परमानेंट मेरे गाड़ी में रखती है। उधर कूड़ा ना फेंके, क्योंकि सारी गंदगी सर शाम को ही होती है, मैं तो सुबह आता हूँ। हाँ, कृपया आप लोग जो भी कूड़ा हो, खाने पीने का सामान डस्टबिन में ही डाले, इधर उधर ना फेंके, क्योंकि आज हमारे बड़े अफसरों को उतरना पड़ा है सफाई के लिए, ये हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक बात है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि गंदगी 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 अगर दिख रही है तभी आप लोग महत्वपूर्ण काम करने के लिए लिए है गोरखपुर में। हाँ भैया,
ज्यादा मत फेंकना, डस्टबिन में डालना इसको। सर वो देखो पॉलिथीन खोलने उधर बोतल में लोग फेंकते हैं यहाँ सादे में, नगर निगम वालों को लगाओ तो चालान काट सके। आगे चलो भैया, अपनी टीम ना यहाँ पे ये ऊपर डाल दो यार, लिया कर नहीं दिखे अच्छा है सर। मैं दौड़ गया सर, अपने वहाँ भी काम कर लेंगे, जनता जनता अगर नहीं है, जनता के जागरूकता जरूरत है। ये जनता है सर, अरे बड़ा खतरनाक हो, टीचर नहीं आता पढ़ उनको बाल शिक्षण का वो वहाँ का वो नेचर नहीं है। देना चाहिए क्या सर, देना सीखिए प्यार खराब कर देते हैं बिल्कुल। ये लाइन है सीधा इससे चलते हैं। मीना भैया अरे रुक जाइए भैया, रुक जाइए एक मिनट भैया। अरे मालिक ए मोबाइल भैया इनको भी ढूंढना पड़ेगा। ये जो लोग संचालित कर रहे हैं ये लोग उठा लो, मैंने जितना लोहा हुआ आज गोरखपुर पुलिस और नगर निगम के द्वारा ये संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया है एडीजी जोन महोदय के नेतृत्व में, और इसका प्रयास यह था कि लोगों में जागरूकता आए समाज में साफ़ सफाई के प्रति, और जो हमारा रामगढ़ ताल है उसमें सफाई हो। यहाँ जो लोग प्लास्टिक का कचरा और अन्य सामान फेंक देते हैं यहाँ पर आनंद लेने के पश्चात, वो उसमें जागरूकता आए लोगों को कि यह हमारा शहर है और हमें इसको साफ सुथरा रखना है। इसी के क्रम में कल यहाँ पर राहगिरी का कार्यक्रम भी किया जा रहा है रामगढ़ ताल नौकायान पर, जहाँ पर कि उसको लेकर भी जागरूकता के लिए ये अभियान आज चलाया गया है। जी हाँ, प्रत्येक शनिवार को ये अभियान चलाया जाएगा शहर के अन्य हिस्सों में, जहाँ पर कि लोगों के में साफ़ सुथरा और जागरूकता सफाई के प्रति जागरूकता चलाने जगाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। जी मेरा सभी गोरखपुर निवासियों से आग्रह है कि ना सिर्फ अपना शरीर अपना घर बल्कि अपना आस पड़ोस और अपना शहर भी साफ रखें, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है और संयुक्त रूप से इसे हमें निभानी है, तभी हमारा शहर जो है साफ़ सुथरा हो पाएगा और विश्व के ना सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में इसका नाम आएगा, जिसका आनंद और लाभ यहाँ के निवासियों को ही मिलेगा। तो मेरा सभी से आग्रह है इसे साफ सुथरा बनाए रखने में सभी एक दूसरे का सहयोग करें। ये कल राहगिरी का कार्यक्रम है जो रविवार सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर 9 बजे तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे और उद्देश्य है कि जो हमारे गोरखपुर निवासी हैं वो यहाँ आए और कार्यक्रमों का लुत्फ लें, संडे की सुबह अपने परिवार के साथ रामगढ़ ताल के किनारे प्रकृति का और समाज का एक दूसरे का समन्वय स्थापित करते हुए आनंद लें। धन्यवाद।